सुने हैं कि तुम्हारे ऐसा कोई बाजार में नहीं बनाता है मुर्गा भूंज के। बात सही है? सही बोल रहा है ये है? ये ले लो, तुमको मिला है। क्यों मिला? क्योंकि तुम बनाए बहुत बढ़िया है। सो गाइस, मेरे पीछे के जो है नज़ारों को देखकर आप लोगों ने तो समझ ही लिया होगा कि आज हम फिर से आपको लेकर आ चुके हैं एक बाजार को दिखाने के लिए, बाजार को एक्सप्लोर कराने के लिए। लेकिन इस बार जो है इस बाजार में हम जो बनवा कर खाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं, वो आज तक जो है हमने इसके पहले नहीं दिखाया और ना ही इतने क्वांटिटी में खाया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम आपको इस जगह का नाम बता देते हैं, आई मीन इस बाजार का नाम बता देते हैं। तो जिस बाजार को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, इस बाजार का नाम है नामकुम बाजार, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और ये नामकुम चौक के ठीक बगल में ही लगता है। पहुँचना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि ये भाई साहब पूरे झारखंड में प्रचलित है। और अगर कहीं पर कोई असुविधा होती है तो गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आना कैसे है वो हमने आपको बता दिया। और यहाँ की एक पहले भी हमने वीडियो बनाई है जिसमें डिफरेंट सा चीज़ ही खाया था, क्रैब हमने खाया था। आज फिर से कुछ बढ़िया सा, कुछ अलग सा चीज़ यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं। ऐसे तो अभी टाइम हो चला है 11, लेकिन अभी बाजार पूरी तरह से लगा नहीं है। मतलब जो साग सब्जी वगैरह होता है ना, वो अभी बढ़िया से सजा नहीं है। लोग देख सकते हो, भीड़ भाड़ भी कम है, लेकिन हाँ, खाने पीने वाले की भीड़ की कमी नहीं है। लोग यहाँ पर सुबह से ही आ जाते हैं खाने का। यहाँ पर नॉनवेज का बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ है। और इस साइड में देखोगे तो अभी पूरा खाली खाली सा है, थोड़ा टाइम होगा तो भर जाएगा। अब भाई साहब, ये बारिश जा तेज ना हो जाए, अगर तेज हो गया तो सारा कुछ जो है मटिया मेल, मतलब कि सही ढंग से अपना काम नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है ना, फटाफट जिस काम के लिए आए हैं, जिस जगह पे हमें जाना है वहाँ पे आपको लेकर चलते हैं। तो ये जो जगह देख लो आप, चारों तरफ जो है अभी यहाँ पे देखो चूल्हा खाली है अभी तक, मतलब यहाँ पे नहीं आए हैं लोग, मे भी नहीं आएंगे। लेकिन हम आए हैं इस जगह पे आज, ये देख लो, ये है पूरा यहाँ पे सारा सिस्टम इनका, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से मिट्टी का चूल्हा लगातार यहाँ पे, लकड़ी का आँच जल रहा है और ये बचवा को जाड़ा लग रहा है। जाड़ा लग रहा है रे, हाँ बाबू, तो इसको जो है ठंडा भी लग रहा है। मौसम भाई साहब एकदम सुहाना सा हो चुका है। और जो हम बनवा कर खाने वाले वो कहाँ रखा मटेरियल हमारा, और ये देखो ये है वो मटेरियल जिसकी हम बात कर रहे थे। सिर्फ मुर्गे का दिल है, मतलब समझ रहे हो, इतने क्वांटिटी में नहीं भी तो 30-40 दिल है, 30-40 मुर्गे शहीद हुए हैं इस स्वाद को देने के लिए आज। तो ये देख लो, और ये सारा यहाँ पे आज हम बनवाने वाले हैं। और गाइस, आज का जो अपना सिस्टम है, मतलब जो बनने वाला है, वो बनाने वाला है हमारा ये नन्हा सा सेफ। और तुमको बनाने में नहीं आता है? हाँ। बना देते हो हर कुछ, मतलब हर चीज़ भून देते हो? हाँ। तो ये जो है बना दोगे आज? कैसा बनेगा? बढ़िया बनेगा? हाँ। खाने लायक बनेगा ना? हाँ। और गाइस, जब जो है यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुका है, कढ़ाई गरम हो गया है। और सबसे पहले डाल दिया गया है सरसों का तेल। और गाइस, यहाँ पे जो है अभी सरसों का तेल बढ़िया तरीके से गरम हो गया है, तो सबसे पहले क्या डालने वाला है? प्याज। प्याज डाल दो। और ये गया अपना सारा प्याज कटा हुआ। अब भी जो है बारिश इतना भयंकर हुआ ना, मतलब कि बीच में हमारा कार्यक्रम रुक गया था, इनका तिरपाल वगैरह भी फट गया। ये देखो चारों तरफ थोड़ा गीला गीला हो गया। प्याज भुंजा गया है। अच्छा, अब डालना है अब क्या डाल? आधी लहसुन, मतलब वो जो कुछ को उधर रखा था नहीं? हाँ। ठीक है, डाल दो। और गाइस, यहाँ पे प्याज मतलब 60-70% जो है भुजाया है। अब जो है इसमें डाल दिया गया है आधी लहसुन। और क्या है इसमें? मिर्चा। मिर्चा। और गाइस, यहाँ पे जो है आधी लहसुन हरा मिर्च डालने के बाद बढ़िया तरीके से भुना जा रहा है। और खुशबू जो है ना भाई साहब, एक तो लहसुन का और दूसरा हरा मिर्च का बड़ा बढ़िया सा आ रहा है। तो लगता है हरा मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ था ना, थोड़ा तीता तीता बनाता है क्या? नहीं, अच्छा उसमें तीता हो जाता है। प्याज लहसुन सब भुन जा चुका है। अच्छा, हाँ दिख तो रहा है भाई साहब, बढ़िया से जो है प्याज वगैरह डला था, भुन चुका है। कलर भी आप देख लो एकदम जो है मतलब जिस तरह का चाहिए, ब्राउन ब्राउन हल्का हो गया। अब क्या डालने वाला है? मुर्गा का दिल। अच्छा, मुर्गा का दिल। ये देख लो भाई, यहाँ पे जो है मुर्गा का दिल धो दिया ना बढ़िया। हाँ। और ये जो है अब इसमें जाने वाला, डाल दो। ये देखो यहाँ पे सिर्फ मुर्गा का दिल। तो इसके पहले तुम बनाया है खाली मुर्गा का दिल? नहीं। और ये जो है सारा मुर्गा का दिल इसमें डालने के बाद बढ़िया तरीके से जो है भुना जा रहा है, मतलब एकदम तेज आंच पे पूरा खर कर कर भुना जा रहा है। अभी कितना देर इसको भूनोगे? आधा घंटा। आधा घंटा, मतलब आधा घंटा में रेडी कर दोगे? ठीक है, अभी क्या डालोगे इसमें? अभी कुछ जाएगा? अच्छा, अभी पहले नमक जाएगा। मतलब हमको लगा कि भाई साहब बस ट्रेनिंग पीरियड में है, लेकिन ये तो मास्टर है। मतलब जो सीक्वेंस है मसालों वगैरह का डालने का, लग रहा है कि नहीं इसको भूनने आता है।
और गाइस यहाँ पे जो है दो चार मिनट हुआ है मुर्गे दिख के दिल को डालकर भूंजने के बाद अब नमक जो है हाथ में लेकर आ चुका है। अब नमक डालने वाले हो ना, डाल दो, अंदाज है नमक का, ज्यादा नहीं ना डाल दोगे? वाह बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो है नमक डाल दिया गया है अंदाज अनुसार स्वाद अनुसार। मसाला वगैरह भी डालने में देरी है, पाउडर वगैरह थोड़ा देरी में पहले इसको भून लोगे अच्छा से? नहीं बनाना तुम कहाँ से सीखे सब? दीदी है? अपने से देखते देखते। हाँ। बहुत बढ़िया। और गाइस जिस साइड पे जो है मुर्गा का दिल तो भूल ही रहा था उस साइड पे भाई टमाटर भी काटे, तो टमाटर अभी डाल दोगे? हाँ। ठीक है डाल दो। और ये जो है पूरा एक गोटा टमाटर, एक ही टमाटर है ना? हाँ। एक टमाटर काट कर इसमें डाल दिया गया है। और भाई साहब डालने के बाद फिर से जो है इसको अच्छे से भुना जा रहा है, मतलब भूनने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो ना, बढ़िया से भूनते हो? हाँ। बहुत अच्छा। और गाइस यहाँ पे जो है टमाटर डालने के बाद मतलब सब कुछ जो है बैक टू बैक ही डाल दे रहे हो है ना? अब क्या डाल रहे हो? हल्दी पाउडर? हल्दी। ठीक है डाल दो। और भाई साहब मतलब अंदाज देख रहे हो, कोई ना बता रहा है यहाँ पे ना ही कोई उसको समझा रहा है, अपने हिसाब से एकदम देखकर लग रहा है कि हाँ जिस हिसाब से अपने पास मटेरियल है उस हिसाब से परफेक्ट एकदम मसाला वगैरह डाला जा रहा है। और वो क्या है? मिक्स मसाला। अच्छा मिक्स मसाला डाल दो, तो उसमें सब कुछ है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये जो है अपना कंपल्सरी वाला मसाला डाल दिया गया है। मसाला डालने के बाद फिर से जो है अच्छा से रगड़ कर एकदम मतलब कि खर कर कर भुना जा रहा है। और मसाला वगैरह डला है तो कलर भी देख सकते हो चेंज हो गया एकदम। और यहाँ पर मसाला पाउडर डला, मसाला पाउडर डालने के बाद बढ़िया से जो है अभी तो भुना ही जा रहा है। थोड़ा सा उठा दो छुलने पे, मटेरियल ऊपर करो। और ये देख लो यहाँ पे कुछ इस हिसाब का कलर आ चुका है। अब क्या पानी वानी डलेगा? पानी डलेगा। अच्छा डलेगा, डाल दो। और यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा जाएगा पानी पहले? अच्छा तो मतलब मसाला वसाला भुन जाएगा उसके लिए डाल रहे हो क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो इधर सब भुंजा ही रहा है, थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में बाजार के बारे में बताओ। सबसे पहले तो अपना नाम बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? लाजरू सोरा। और कितना बजे तुम लोग यहाँ पे दुकान लगाता है अपना? कै बजे दुकान यहाँ पे खुल जाता है? 8 बजे। 8 बजे। और कै बजे तक रहता है? 9 बजे तक। 9 बजे तक रहता है। बहुत बढ़िया। कौन कौन दिन बाजार लगता है बाबू? संडे बिफे। संडे और बिफे को 2 दिन बाजार लगता है। बड़ा बाजार कौन दिन है? संडे। अच्छा मतलब आज ही के दिन बड़ा बाजार लगता है। तो तुम हर दिन रहता है यहाँ पे, मतलब कि बीते को और संडे को भी रह जाएगा तुम यहाँ पे? हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब कि अगर कोई आएगा तो तुम बना के खिला देगा? नहीं सुने कि तुम्हारे ऐसा कोई बाजार में नहीं बनाता है मुर्गा भूंज के? बात सही है? हाँ। सही बोल रहा है ये है? सही ना? वाह। और अब जो है हल्का सा जो पानी डाला, पानी कड़ाक से जो है सूख गया, अब डाल दीजिएगा। फिर जाएगा पानी? मतलब अभी फिर थोड़ा सा जाएगा कि? अच्छा थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ गया है। और अब ढक्कन लगाने वाले हो? ठीक है लगा दो ढक्कन। भाई साहब मतलब इस उम्र में जो है इतना ये कर ले रहा है बहुत है, नहीं तो इसके उम्र में तो भाई साहब खाना खाने के लिए भी लोगों को जो है मम्मी और पापा की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा। स्कूल स्कूल जाते हो? जाते हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? 5 में हो? अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब कि पढ़ाई भी करते हो और घर वाला का मदद भी करते हो काम में? नहीं और खेलने वेलने जाते हो कि नहीं? जाते हैं। कौन सा खेल पसंद है तुमको? लुका छुपी। अच्छा लुका छुपी पसंद है सबसे ज्यादा? क्रिकेट नहीं? हम लोग भी सबने खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा फुटबॉल खेलता है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ढक्कन लगा दिया गया, छिलका उलका भी मिलता है क्या तुम्हारे पास? हाँ, अभी मकिल नहीं बना है। अभी नहीं बना है, कैसे मिलता है छिलका बन जाता है तो? 10 में 3 पीस। 10 रुपए में 3 पीस? अरे वाह भाई। और मुर्गा बनाने का क्या रेट लेते हो? आधा किलो का 50 है। और 1 किलो का? 1 किलो का सब। तो मतलब सब कुछ देते हो कि कुछ बाजार से खरीद के लाना होगा? बाजार से प्याज मिर्चा खरीद के लाना पड़ेगा पूरा मिक्स। अच्छा प्याज मिर्चा ये सब खरीद के लाना पड़ेगा, बाकी मसाला पाउडर आग कढ़ाई सब तुम्हारा ना? चलो। और खस्सी भूनने का? उसी उसका भी वही। अच्छा मतलब एक ही रेट है ना ये? वाह तो रेट जो है काफी जेन्युइन सा है। इस साइड पे ढक्कन लगा हुआ है, अभी कितना देर ऐसे झपाल रहेगा ये? थोड़ा देरी तक चलाना। और यहाँ पे जो है गाइस मतलब सारा मसाला पड़ने के बाद बढ़िया तरीके से इसको लगभग 15 से 20 मिनट हो गया भूजते भूजते, और पानी जो डला था ना वो पूरी तरह से सूख चुका है। एक बार उठा तो छुलने पे थोड़ा सा झंझरा पे उठाओ, और ये देखो मटेरियल मतलब एकदम खर एकदम चढ़ा कर भूजा गया है और ये रेडी हो गया। अब क्या डालोगे इसमें? MDH। अच्छा मतलब फाइनल मसाला डाल दो। और ये इसमें जो है अंदाज अनुसार डाल दिया गया है मीट का मसाला।
और गाइस एमडीएच का जो है मसाला डालने के बाद अब इसमें डाला जा रहा है कटा हुआ धनिया पत्ता। डाल दो और यहाँ पे कटा हुआ धनिया पत्ता देखो कितना बारीक से काटा हुआ। कौन काट के दिया धनिया पत्ता? खुद काटा है। वाह रे वाह, तो ये हो गया रेडी। और तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना मुर्गा का दिल बनकर हो चुका है रेडी। तो करना क्या है भाई, यहाँ पे छोटे से पत्ते में इसको लगा रहा है और इसको जो है करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो है 11 साल का बच्चा मुर्गा का दिल जो भूंज कर दिया उसका स्वाद कैसा लग रहा है। इस साइड पे जो है अपना मटेरियल तो बन चुका है, इस साइड पे छिलका भी आ गया, बस खाने जा रहे थे तो कुछ भैया लोग भी जो है इस बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। ये तो क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम है यश। अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं जमशेदपुर से। और यहाँ फर्स्ट टाइम आया क्या इस बाजार? फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लग रहा है बाजार देख कर? और आप यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लेके मतलब चलाते हैं इसको बढ़िया से स्टैंड वस्टैंड करते हैं क्या? है ना, बहुत बढ़िया। ये भाई लोग का पूरा। अच्छा क्या नाम है इंस्टाग्राम? अच्छा चलो, तो अच्छा अच्छा करो करो। तो भाई का जो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जाएंगे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मिलकर सबसे, सब जमशेदपुर से आप लोग। बहुत 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 थैंक यू भैया। तो गाइस यहाँ पे जो है अभी मतलब जो भाई लोग आए उनसे तो बातचीत हो गया, बहुत अच्छे लोग थे। और अभी फिलहाल क्या है ना हमारे हाथ में ये देख लो, मतलब एकदम नया सा आइटम, मतलब खाया तो हमने एक दो पीस ही कभी कभी, लेकिन इस बार सिर्फ वही और पूरा भरा हुआ और भूंजा बहुत बढ़िया के तरीके से गया है, बिल्कुल खर कर करके। करना क्या है फटाफट खाते हैं एक बार, लेकिन खाने से पहले ना एक बार आपको क्लोज दिखाते हैं कि ये एग्जैक्ट दिख कैसा रहा है। तो गाइस ये देख लो यहाँ पे एकदम हल्का फल्का मसाला डालकर बढ़िया तरीके से पूरा सूखा एकदम ड्राई बनाया गया, मतलब बोलोगे तो परफेक्ट चखना ही है। बहुत अच्छे तरीके से खर कर कर भुजा गया है, कलर कुछ इस तरह का दिख रहा है और थोड़ा डार्क दिख रहा होगा तिरपाल के कारण, क्योंकि ऊपर ब्लू तिरपाल है तो लाइट में भी थोड़ा डार्क दिखेगा। लेकिन भुना हुआ ये देखो आप रंगत वगैरह, मतलब जो मार्क होता है ना भुनने का रोस्टिंग का, वो सबके ऊपर थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। एक बार जो है हाथ में लेते हैं ना इसको और ये देखो दिल, मतलब एकदम एग्जैक्ट शेप का है भाई पूरा एकदम। और पकाएगी नहीं, हाँ ये देखो अंदर का कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा है, बहुत अच्छा। साथ में यहाँ पे छिलका जो कि मेरे ख्याल से 10 का 3 मिलता है यहाँ पे, बहुत सस्ता सा रेट है, तो इसके साथ इसको ट्राई करते हैं। तो भाई इसका जो है हमने आपको नज़ारा वगैरह दे दिया, दिखा दिया कि किस हिसाब से ये दिख रहा है, और मैं सच्ची बताऊँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को ट्राई करने के लिए। और छिलका मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं स्वादिष्ट दिखता है ना, वैसा दिख रहा है। छिलका का टुकड़ा हमने लिया है और सबसे पहले इसमें जो थोड़ा बहुत मसाला है ना, मतलब जो प्याज पड़ा आधी लहसुन, तो वो साइड हो चुका है, तो उसी को उठा के सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं। जो मसाला का स्वाद है बहुत बेहतरीन है, क्वांटिटी लहसुन का इसमें ज़्यादा है। अभी जो हमने उठाया था उसमें लहसुन लहसुन ही था, जो लहसुन का अपना एक मीठापन होता है ना स्वीटनेस उसका, और उसके साथ हल्का फल्का मसाला का फ्लेवर, नमक भी एकदम परफेक्ट रेशियो में डाला हुआ, बहुत बढ़िया शानदार सा भुजा हुआ मसाला। सिर्फ दिल खा कर देखते हैं। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना एक ही अलग लेवल का है, दिल को भूजा इतने अच्छे से गया है कि इसका जो चुईपन होता है ना एक चिम्बड़पन वो बरकरार है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला गया, थोड़ा बहुत दो बार पानी डाला गया इसको सिर्फ भूजने के लिए ताकि ये चिपके नहीं। और इसके ऊपर जो मार्क वगैरह आया है ना रोस्टिंग का, वो बहुत ज़्यादा खर लग रहा है, बहुत बेहतरीन। मेरे को लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए नमक को लेकर या फिर हल्दी वगैरह ज़्यादा पड़ जाए, लग रहा है ऐसे कि कितना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है बनाने का, सब कुछ परफेक्ट मात्रा में डाला हुआ है। एमडीएच जो लास्ट में डाला गया उस पर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा डाल रहा है, मैंने मना भी करा, लेकिन नहीं वो भी एकदम सही मात्रा में डाला गया, और उसका स्वाद जो है ना सबसे ज़्यादा खुलकर उभर कर जो है एमडीएच का इसमें आया है।
तो गाइस अपना जो है ओवरऑल फीडबैक इस बाजार को लेके और यहाँ पे बने ये भुजे हुए दिल को लेकर यही है कि बाजार तो खैर बढ़िया है, सबको ही जानता है, काफी बड़ा सा बाजार भी लगता है, हर कुछ यहाँ पे मिलता है, लेकिन जिस जगह पे आज हम आए हुए ये परफेक्ट जगह है कुछ भी बनवा कर खाने के लिए। मेरा तो दिल खुश हो गया और बहुत बढ़िया स्वाद बनाकर इतने छोटे से बच्चे के हाथ से मिला, मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना बढ़िया ये बनाएगा। फिलहाल क्या ना दिल थोड़ा बहुत बचा है, छिलका का आधा टुकड़ा है, इसको करेंगे हम ख़त्म और वीडियो को हम करेंगे एंड। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ और करने वाला है, पाओ थोड़ा इधर, और इस बच्चे को जो है ना ये ले लो, तुमको मिला है। क्यों मिला? क्योंकि तुम बनाए बहुत बढ़िया है ना, तो सब आएगा तो बनाने तो ऐसे ही बना के खिलाओगे ना मन से स्वादिष्ट वाला। इधर देख के बोलो तुम शर्मा रहा है, ठीक ना? चलो तो गाइस सही में बहुत बढ़िया सा बनाकर मिला है, तो करना क्या है ना ख़त्म करते हैं इसको भी और मिलते हैं आपसे कल कुछ कहीं और कुछ नया सा लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।